हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू माय चैनल मैं सिर्फ राजकुमारी फ्रेंड्स आज हम बात करेंगे कि यदि आपको मटरी बनानी आती है तो आप वाकई में इस छोटे से बिज़नेस को स्टार्ट करके लाखों करोड़ रुपए कमा सकते हैं बस मन में ठान लीजिए और बिज़नेस करना स्टार्ट कर दीजिए शुरुआत में आप हज़ार रुपये लगाइए आप हज़ार रुपये से क्या करिए चार से पाँच किलो मैदा लेकर आइए आटा लेकर आइए आप चाहे मैदा की बनाए चाहे आटे की बनाए दोनों को मिक्स करके बनाइए आपके ऊपर है तेल लेकर आइए और मसाला ले कर आइए जैसे ज्वाइन हो गया नमक हो गया जो भी उसमें डलता है और फिर क्या करिए बनाने के बाद में पैकेट्स तैयार करिए मार्केट से प्लास्टिक की एक थैली ले आइए और उसमें पैकिंग कीजिए पैकिंग करने के लिए आजकल एक छोटी सी मशीन भी आती है जिसके ऊपर हम रखते हैं तो वो एकदम परफेक्ट तरीके से पैक हो जाती है उसमें बनाइए शुरुआत पैकेट्स बनाइए आपने आस, आस पड़ोस में जाइए वहाँ पे उनको बताइए कोई हो सकता है आपसे इम्प्रेस जो आपको जानता हो तो आपसे पैकेट ख़रीद ले आसपास के डिपार्टमेंटल स्टोर्स पे जाइए वहाँ पर आप अपना सैंपल दिखाइए उनको टेस्ट कराइए और फिर वो टेस्ट कराने के बाद मैं आपको कहता हैं कि माल भेजिए तो आप उनके यहाँ पे माल दे दीजिए आसपास की कन्फेक्शन शॉप्स पे जाइए देखिए वो किस रेट से बेचते हैं और किस रेट से खरीदते हैं तो जो भी अपना कंपेरेटिव प्राइस है थोड़ा थो सा कम करिए बनाने में आप कसर मत छोड़िए कि आप बनाए टेस्ट ताकि कन्फेक्शन वाला भी टेस्ट कर तो उसको भी एक बार लगे कि नहीं यार लेनी चाहिए तो वो आपसे वो सैंपल लेगा यह हो सकता है दो तीन पैकेट्स भी ले लें एज ए सैंपल और आपसे लेने के बाद में फिर आपको ऑर्डर देना और बढ़ाए आप हलवाई की शॉप पे भी जाइए आसपास आपके जितने भी हलवाई है या टी स्टॉल्स आस पास आस पास जितनी भी थड़ियाँ हैं आप वहाँ पे जाइए जो चाय की थड़ियाँ वगैरह होती है टी स्टॉल्स वगैरह होती है चाय कॉफ़ी की क्योंकि वहाँ पर भी लोग चाय पीते हैं और साथ में कुछ ना कुछ एज ए रिफ्रेशमेंट में बिस्किट ले लेते हैं या मठरी ले लेते ले हैं ले 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 तो वहाँ पर भी आप अपनी मठरी दे सकते हैं सो सेल करना स्टार्ट कर सकते हैं हलवाई की भी चाहिए क्योंकि हलवाई का भी अगर कोई बनाने वाला आदमी अच्छी मटरी बनाता है अगर आपका भी कंपेरेटिवली टेस्ट अच्छा हुआ तो वो ज़रूर लेगा आपसे क्योंकि उसको तो अपने माल बेचने से मतलब है तो आप ये मत सोचिए कि हलवाई के पास हम कैसे जाएँ वो हमारा माल लेगा नहीं लेगा हाँ आप ये मत सोचिए आप तो कोशिश कीजिए कि माल हमें ज़्यादा से ज़्यादा बेचना है तो आस के लोगों में आप स्टार्ट करिए आप शॉप की शॉप से दीजिए टी स्टॉल्स पर दीजिए हलवाई की दीजिए कन्फेक्शन पर दीजिए आप मंदिर दर्शन करने जाते हैं आप वहाँ पर भी जितने भी लोगों को जानते हैं आप वहाँ पर बता दीजिए मतलब एज ए पहले आप एडवर्टाइजमेंट कीजिए आप अपने मोबाइल पर अपना एक लोबो बना लीजिए अपना एडवर्टाइजमेंट बना लीजिए एक थमनेल बना लीजिए उस थमनेल को आप अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स में डाल दीजिए अपने चैट ग्रुप्स में डाल दीजिए जहाँ तक अभी तक आप सबको जानते हैं अपने जितने भी फ्रेंड्स हैं रिलेटिव्स हैं सबको बता दीजिए सबको आप सैंपल दीजिए टेस्ट कराइए एक या दो तो मैंने आपको ज़रूर ऐसा लगेगा कि हम क्या कर हैं लेकिन डे बाय डे आप जैसे जिस जैसे आप आगे बढ़ते जाएंगे आपके सैंपल्स के थ्रू आपको ऑर्डर मिलना शुरू हो जाएगा और आप मार्केटिंग कीजिए अपनी कॉलोनी में मार्केटिंग कीजिए सारी जितनी शॉप्स है डिपार्टमेंटल किराना या नमकीन की शॉप जहाँ जहाँ भी मठरी ली जाती दी जाती कई फेमस शॉप्स भी होती है जो नमकीन के साथ साथ मठरी भी खरीदती मठरी बेचती आप उनके जाइए फिर उसके बाद में आप क्या करिए एक कॉलोनी जो आपकी उसको कवर कीजिए दूसरी कॉलोनी कवर कीजिए तीसरी कॉलोनी कवर कीजिए फिर एक पूरा एरिया कवर कीजिए अपना सिटी कवर कीजिए और डे बाई डे आप अभी देखिएगा आपके मेटेरियल में अगर दम होगा आपके मटरी के स्वाद में अगर दम होगा तो आपको ऑर्डर मिलना शुरू हो जाएगा आपको पता ही नहीं चलेगा कि डे बाई डे आपके ऑर्डर आने लग जाएंगे और आप अच्छा पैसा कमाने लग जाएंगे फिर उसके बाद में क्या करिए एक सेटअप डालिए छोटी सी जगह लीजिए या फिर क्या बोलते हैं कोई शॉप लीजिए कोई कारखाना टाइप में छोटी सी शॉप खोलने की कोशिश कीजिए वहाँ एक कारीगर बिठाइए मसाला आप बनाइए मसाले का जो भी फॉर्मेट है जो भी ट्रैक है या जो भी मिक्सिंग करने का जो तरीका है कितने ग्राम कितना डलता है वो सब आप अपना खुद का वैसा रखिए कि भाई किसी को पता नहीं चले ताकि वेट इस हर बार 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 मटरी में बनाते वक्त आपको हमेशा पैट रखना पड़ेगा कि आप कितना मसाला डाल रहे हैं क्या कर रहे हैं वो सब आपको मालूम होना चाहिए फिर उसके बाद में वापस से अपनी पैकिंग को चेंज करिए अच्छी पैकिंग करना शुरू करिए जो भी आप एक या दो आदमी रखेंगे उनके थ्रू आप हेल्प लीजिए ऑर्डर बढ़ने लगेगा आपकी आपके किसी ना किसी की हेल्प लेनी पड़ेगी आपको ज़्यादा क्वान्टिटी में बनाना पड़ेगा ज़्यादा जैसे जैसे क्वान्टी बनाते जाएंगे जिस जैसे आप लोगों को बेचते चले जाएंगे वैसे वैसे माल का ऑर्डर बढ़ता चला जाएगा फिर कोई ना कोई त्यौहार आएगा जैसे मान लीजिए दिवाली हो गई होली हो गई और क्या बोलते हैं और भी कोई पर्व हो गए मतलब इन पर्वों पे भी क्या होता है जो भी दुकानदार होते हैं उनके पास में माल ज़्यादा बिकता है तो वो माल आपसे खरीदेंगे भी और नहीं भी खरीदते लेकिन उनको ध्यान होगा कि आप बेचते तो आपको ऑर्डर जरूर मिल सकता है आपको कन्फेक्शनरी यहाँ से ऑर्डर मिल सकता है लोग वहाँ के जितने भी आपके रिलेटिव हो गए जितने भी आपने कोई ना कोई जरूर आपको ऑर्डर देगा ऐसी बात नहीं है एक चीज़ जरूर करिएगा अपने रेट्स हमेशा रीजनेबल और कंपैरेटिव रखिएगा और अच्छा मटेरियल यूज़ करिएगा क्योंकि क्वांटिटी और क्वालिटी दोनों में कोई कमी नहीं होनी चाहिए क्वांटिटी का जो पैकेट होना चाहिए पूरी क्वांटिटी होनी चाहिए और क्वालिटी भी अच्छी होनी चाहिए अच्छा तेल इस्तेमाल कीजिए अच्छे माले मसाले इस्तेमाल कीजिए और अपने बनाने में एक ऐसा परफेक्शन रखिए कि भाई लोगों को लगे कि हाँ भाई आपका जो मटरी का जो आकार है जो आकृति जो भी मठरी आप बना रहे हैं उसको इस तरह का शेप मतलब कि लोगों को लगे कि हाँ भाई इनका जो बनाने का जो तरीका है और उसकी जो साइज़ है शेप है बहुत बढ़िया है टेस्ट बहुत बढ़िया है और यकीन अगर आपको अपने आप पर कॉन्फिडेंस होगा तो यकीन के साथ मैं कह सकता हूँ कि आप अपना एक बिज़नेस स्टार्ट कर सकते हैं क्योंकि छोटे से ही बड़े स्केल लिए बिजनेस स्टार्ट होता है फिर मैंने आपको वैसे बताया कि कारखाना वगैरह आप छोटा सा डाल सकते हैं डे बाई डे आपके ऑर्डर बढ़ते जाएंगे फिर आप बड़ी मशीन डाल लीजिएगा अपने पैकिंग रैपर को बहुत और अच्छे लेवल पर कर लीजिएगा फिर उसके बाद में आपका क्या एक ब्रांड बना लीजिएगा फिर उसको रजिस्टर्ड करा लीजिएगा फिर उसके बाद में क्या बोलते हैं आप रजिस्ट्रेशन कराने के बाद में एक अपना कॉपी बनवा लीजिएगा डिज़ाइन का कॉपी नाम का कॉपी मतलब कहने का मतलब है कि डे बाई डे फिर आपको अपने आप ही रास्ता मिलता चला जाएगा और आप एक अच्छे बिजनेस में अपने जो हुनर है उसको कन्वर्ट कर सकते हैं और हज़ार रुपये के बिज़नेस को आप लाखों करोड़ रुपए तक पहुंचा सकते हैं जितनी ज़्यादा सेल आती जाएगी जितनी ज़्यादा डिमांड आती जाएगी उतना मुनाफा कमाते जाएंगे उतना टर्नओवर ओवर आपको बढ़ जाएगा और उतना पैसा कमाते जाएंगे फ्रेंड्स बोलने में बहुत छोटा सा मैटर बोल रहा हूँ मैं लेकिन बहुत बड़ा मैटर है अगर आप में अपने आप में कॉन्फिडेंस है आप में अगर कोई भी हुनर है किसी भी चीज़ को बनाने का आप ट्राई करके देख लीजिए आप सक्सेस हो जाएंगे तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही मैं आपको मोटिवेट करना चाहता था आप अगर ये सोच रहे कि आप कुछ नहीं कर सकते ज़िंदगी में ऐसा सोचना बेकार है अगर आपको छोटा सा काम भी करना आता है और आपने अगर उसको ठान लिया बड़े लेवल पर ले जाने की तो आप एक दिन उसको बड़े लेवल ले ले तक ले जाएंगे तो फ्रेंड्स हर अच्छे मठरी बनाने वाले हम में से कोई ना कोई होते हैं और वो अपने ब्रांड को बना करके मार्केट में बेचते हैं तो हम भी बेच सकते हैं अगर हमारे में कैपेबिलिटी कैपेसिटी और अगर हम में काम करने का दम है हमारी दृढ़ शक्ति यानी इच्छा शक्ति अगर हमारी मजबूत है तो हम यकीन इस छोटे से काम को एक बड़े मुकाम तक ले जा सकते हैं तो फ्रेंड्स थैंक्स फॉर वॉचिंग माइवर वीडियो हैव एन आइस टाइम टिल देन ओके टाटा बाय बाय